हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग क्विजेट का पासवर्ड एंड नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्विजेट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो मी ऑप्शन है, इधर जाना है। जाने के बाद आप लोगों को सेटिंग पर जाना है। उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी पर जाना है। जाने के बाद इधर सेकेंड नंबर पर देख सकते हैं आपका फ़ोन नंबर, जो भी नंबर से आप लोगों ने क्रिएट किया होगा वो नंबर शो करेगा। तो उस नंबर पे क्लिक करना है। करने के बाद इधर दो ऑप्शन है, अपलोड कॉन्टेक्ट है, उसके साथ नीचे जो देख सकते हैं चेंज मोबाइल नंबर। तो आपको चेंज मोबाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप भी जिस कंट्री में है, ठीक है, तो वो कंट्री इधर क्लिक करके आप जिस भी कंट्री में हैं तो वो कंट्री सिलेक्ट कर देना। जैसे कि आप लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तभी इंडिया सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो नंबर है इंडिया का, वो नंबर देने के बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो नंबर डाला होगा उस नंबर पे एक OTP आएगा 6 डिजिट का। तो OTP डालने के बाद आप लोगों का नंबर चेंज हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही इजीली आप लोगों का नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कैसे आप लोग पासवर्ड चेंज करेंगे। पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे नीचे आएंगे, इसका थर्ड ऑप्शन पर मिल जाएगा पासवर्ड का ऑप्शन। तो पासवर्ड में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं मेरा नंबर शो कर रहा है। आप लोगों ने जिस नंबर से अकाउंट क्रिएट किया होगा वो नंबर शो करेगा। तो सेकंड नंबर पे देख सकते हो ओल्ड पासवर्ड लिखा हुआ है और नीचे थर्ड नंबर पे न्यू पासवर्ड एंड लास्ट में है कंफर्म पासवर्ड। तो आप लोगों का जो ओल्ड पासवर्ड है, ओल्ड पासवर्ड डाल देना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। डालने के बाद आप लोग जो न्यू पासवर्ड डालना चाहते हैं तो ऐसे रेंडमली आप लोगों ने जो पासवर्ड सिलेक्ट किया होगा वो डाल देना। देने के बाद न्यू पासवर्ड में जो पासवर्ड दिया था इधर का सेम पासवर्ड इधर फिल कर देना, कंफर्म पे कर देना। कंफर्म कर देने के बाद इधर जब आप लोग डन कर देंगे तो आप लोगों का ऐसे इजीली पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आप लोग पासवर्ड और नंबर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को विजेट अकाउंट परचेस करना है, आप लोगों के पास विजेट अकाउंट नहीं है, तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके विजेट अकाउंट परचेस कर सकते हैं। नहीं तो मेरा बहुत सारा वीडियो पर हुआ है कि कैसे आप लोग विजेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो देख के आप लोग क्रिएट कर लेना। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेल देन एंड बाय बाय।